दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरटीएन टुडे। आप सभी का आरटीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा वाच करें, समझने का प्रयास करें। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक वही जानकारी पहुँचे जो ऑथेंटिक नहीं, पूरा ऑथेंटिक हो, केवल बात ना हो उसमें सच्चाई हो। तो वीडियो को पूरा वाच करें, हर एक खबर सबसे पहले बताऊंगा। उससे पहले अगर आप बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। UPSC मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको संपूर्ण एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। चक्षु प्रकाशन ने जो एसटीडी गाइड तैयार किया है वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। न्यू पैटर्न है, यूनिक प्रश्न है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इस बुक में आपको 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इस बुक को अभी मंगवाइए, जाइए और प्रश्नों की क्वालिटी देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे मंगवा कर अपनी तैयारी को बेहतर करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा UPSC PET 2023 की परीक्षा को लेकर। केंद्र कब तक बनेगा, परीक्षा केंद्र कब तक बनेगा, बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों। 15 सितंबर के बाद परीक्षा केंद्र पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन इसी प्रकार की चाहते हैं कि पल पल की जानकारी परीक्षा के संबंध में आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली खबर है लेखपाल भर्ती में खेला ख़त्म। आपको मालूम होगा कि लेखपाल भर्ती में कुछ दलालों के द्वारा, मैं दलाल ही कहूँगा उनको, कि कहा जा रहा था कि कट ऑफ कम हो जाएगा। दोस्तों, भर्ती संपन्न हो जाए, कट ऑफ कम बताया जाए, जिससे भर्ती में कोई विघ्न ना हो। आपको मालूम होगा कि 15,000 संदिग्ध हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है, पेपर भी निकला था। आपको मालूम होगा इसके लिए अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया था। तो 15,000 संदिग्ध हैं, DB स्किप करा लेने से कैसे बताइए कट ऑफ कम हो जाएगा, जब 15,000 संदिग्ध हैं। 15,000 का कल्याण हो जाए, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाए, जिससे कोई उंगली ना उठाए और ऐसा प्रतीत लोगों को कि हमारे सपोर्ट में DB स्किप हो रहा है और कट ऑफ कम चला जाएगा, 75 चला जाएगा, 74 चला जाएगा। भैया, ऐसी भूल मत करिएगा। हकीकत तब आपको पता चलेगा कि 8,000 पद होने के बावजूद कट ऑफ अगर 78 प्लस जाता है तो आपके लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है। इसलिए इन नौटंकी बाजों से आपको दूर रहना चाहिए। देखना दोस्त, जैसे रिजल्ट आएगा आधा लोग ग्रुप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। जो अंदर वाले होंगे, जो 15,000 संदिग्ध में होंगे, अगर सरकार के द्वारा जांच नहीं कराई गई तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे नाता रिश्ता सब कुछ तोड़ के चले जाएंगे, कई ग्रुप बंद हो जाएगा, इतना मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। एक और अपडेट के बारे में बात करूँगा। दो राज्यों में पुलिस की बम्पर भर्ती जल्द होगी। एक राजस्थान में होगी और एक उत्तर प्रदेश में होगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच दोनों राज्यों में वैकेंसी आ जाएगी। आपके लिए गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में द्वारा बता दिया गया है, इसलिए आप उस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।